देखिए गुड़गांव बड़ी टफ सीट है, हम शुरू से मान के चल रहे हैं कि गुड़गांव और करनाल दो ऐसी सीट है जहां भाजपा को बढ़त प्राप्त है। रोहतक हमारी निश्चित है, हमारी सिरसा निश्चित है, हमारी सोनीपत निश्चित सी है। मेरा अनुमान है कांग्रेस हरियाणा में 6 के आसपास सीट जीत सकती है। देखिए एग्जिट पोल तमाशा है। और गुरुग्राम की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत बेहतर ढंग से इस इलेक्शन को लड़ा गया है और मैं ये मानती हूं कि वो सीट भी हम जीत रहे हैं। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 10 की 10 सीटें जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि रोहतक की सीट शायद डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी हम सबसे पहले रोहतक जीत रहे हैं और बाकी सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। मैं गुरुग्राम लोकसभा की बात करूं तो जिनका खुद का दम घुट रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो किसी और कैंडिडेट को मदद करेंगे इसमें संशय है। इनका बुरा हाल है, आपस में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। हुडा जी वैसे ही अपने पार्टी के नेताओं को निपटाने में माहिर हैं, इस बार बहुत अच्छे से निपटा है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली। इनसे जानेंगे कि 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं लोकसभा के, उनमें ये क्या संभावना देख रही है। तो सबसे पहले हम गुड़गांव लोकसभा की बात करते हैं। वंदना जी, गुड़गांव लोकसभा को लेकर आप क्या संभावना देख रही है? क्या 2019 की तरह भाजपा अपना प्रदर्शन दोहराने वाली है या इस बार कुछ फीका रह सकता है? देखिए मैं आपको इन टोटल पूरे जो भारत में है उसका भी बताऊंगी और साथ के साथ हरियाणा और गुरुग्राम का भी बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य दिया था, 370 भाजपा का और 400 एनडीए का। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है, हम 400 पार जा रहे हैं। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 10 की 10 सीटें जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि रोहतक की सीट शायद डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी हम सबसे पहले रोहतक जीत रहे हैं और बाकी सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। और गुरुग्राम की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत बेहतर ढंग से इस इलेक्शन को लड़ा गया है और मैं ये मानती हूं कि वो सीट भी हम जीत रहे हैं। इन सब के पीछे कारण ये भी है कि एक तो हमारी स्ट्रांग लीडरशिप है, जिस तरह से अगर मैं मोदी जी की बात करूं, मोदी जी ने जिस तरह से विश्व में डंका बजा रखा है, जिस प्रकार से बड़े बड़े काम करने में भी नहीं हिचके, बड़े डिसीजन लेने में भी पीछे नहीं हटे, उसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटे, तो जनता का जो प्यार है वो बार बार उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे और अब नायब जी रहे हैं, उनकी लीडरशिप है। जिस तरह से बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिली और जिस तरह से गरीब व्यक्ति को भी कहीं भटकना नहीं पड़ता है आज हरियाणा में, तो वो जो काम है वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ के साथ गुरुग्राम लोकसभा में राव इंद्रजीत सिंह जी ने जितने बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए वो गुरुग्राम लोकसभा के लिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एक सांसद के तौर पर एक जो कार्यकाल होना चाहिए एक बहुत बढ़िया कार्यकाल उन्होंने दिया, बड़े कदम उठाए, चाहे यहाँ पर हाईवेज की बात कर लीजिए, रेलवेज की बात कर लीजिए, जो भी एक ऐसा काम है जो सांसद के द्वारा होना चाहिए सारे उन्होंने किए। आप अहिरवाल बेल्ट से हैं, रोहतक की बात तो आपने कर ली है कि आप जीत रहे हैं, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो वहां क्या संभावना है? देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ में मैं तो आपको पहले ही कह दिया कि हम लोग 10 के 10 जीत रहे हैं, तो उसमें तो कोई संशय वाली बात रह ही नहीं जाती। और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी हम बहुत अच्छे नंबर से जीत रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी कि आप 10 की 10 की सीट का आकलन कर लीजिए, एक एक करके नंबर ले लीजिए। मैंने अभी आपको अपने पॉजिटिव बात बताई कि वो हमारे कौन से स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन सामने जो विपक्ष है, जो मुख्य पार्टी है, वो कांग्रेस है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है एक सीट पर, लेकिन आप काउंट कर लीजिए एक एक करके, आप देखते जाएंगे। आप ये देखिए रोहतक की अगर बात करें तो बाबू बेटा और मम्मी पत्नी ये सब उतर गए, और उसके बावजूद भी जो सीट उनको क्लियरली कहीं ना कहीं वो अंदर से उनको भी पता है कि स्थिति क्या हो रही है। अगर मैं गुरुग्राम लोकसभा की बात करूं तो जिनका खुद का दम घुट रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो किसी और कैंडिडेट को मदद करेंगे इसमें संशय है, और वो भी दिखाई देता है कि क्या स्थिति रही होगी। ऐसे ही जेपी हिसार में बात कर लीजिए, हुडा जी के अलावा, हुडा जी भी एक या दो बार गए, उसके अलावा उनके पास कोई नहीं पहुंचा। आदमपुर में उन्होंने कह दिया था कि मैं जो है टिकट मैंने मांगी थोड़ी ना थी, तो अब उसका जवाब पार्टी ने दे दिया। इसी तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ की हम दोबारा से चर्चा कर लेते हैं, किरण चौधरी ने जिस प्रकार से जवाब दिया कि जैसे मेरी मदद हुई वैसे मैं मदद करूंगी, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि इनका
क्या सिस्टम रहेगा। सिरसा में शैलजा जी और हुडा जी के समर्थक आपस में जिस प्रकार से लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, तो एक एक सीट काउंट कर लीजिए। हर एक सीट पर इनका बुरा हाल है, आपस में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। हुडा जी वैसे ही अपने पार्टी के नेताओं को निपटाने में माहिर हैं, इस बार बहुत अच्छे से निपटा है, तो बाकी नेता लग गए उनको निपटाने में। ये भीतरघात वाला मामला तो इस बार आपकी पार्टी में भी देखने को आ रहा है, नोटिस जारी हुआ है, मुख्यमंत्री जी तक, हाईकमान तक बात पहुंची है, गुड़गांव का हो गया, ऑडियो जारी हुआ है कि वो बात कर रहे हैं समर्थन में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहां से खबरें भीतरघात की ज्यादा है? अगर गुड़गांव की बात करते तो रेवाड़ी से है, गुड़गांव से है या नूह से है? एक सीधी सी बात कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी बहुत अनुशासित है। इस तरह की बात आना मुझे लगता है हमारे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि इस तरह जो चीजें हुई हैं, और मैं ही मानती हूँ कि हमारी पार्टी इतनी सक्षम है, हमारा हाईकमांड इतना सक्षम है, उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखेगा और आगे से भविष्य में इस तरह की चीज़ों का रिपीटेशन नहीं हो वो भी इस पे ध्यान देंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप बताइए, कल एग्जिट पोल आया है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो गुड़गांव के आप संभावित परिणाम क्या देखते हैं? आपका एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं? देखिए, गुड़गांव बड़ी टफ सीट है। हम शुरू से मान के चल रहे हैं कि गुड़गांव और करनाल दो ऐसी सीट हैं जहां भाजपा को बढ़त प्राप्त है। अब अंदर खाने बदलाव तो हुआ है, पर वो कितना बदलाव हुआ है कितना नहीं हुई देखने का विषय है। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं मेवात के अंदर, पुनाना, नू, फिरोजपुर, जरखा और आधा सोना। वहां से हम समझते हैं कि हमारा उम्मीदवार 2 से 2.5 लाख की लीड निश्चित रूप से लेगा। उसके अलावा रेवाड़ी और बावल, वहाँ राव इंद्रजीत की लीड की संभावनाएं हैं। पटौदी में भी राव इंद्रजीत को लीड मिलेगी। सारा दारमदार गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर है। गुड़गांव और बादशाहपुर सीट के अंदर पूर्व की तुलना में कम मतदान हुआ है। अब कम मतदान होने से जो शहरी मतदाता है वो भाजपा का समर्थक रहा है, और जो भाजपा को ज्यादातर लीड मिलती थी वो इन्हीं 2 क्षेत्रों से मिलती है। अगर इन 2 क्षेत्रों से भाजपा 1.5 लाख की ही लीड लेती है और 1.5 लाख से आगे नहीं बढ़ती दोनों में, तो कांग्रेस का बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा। और यदि 1.5 लाख से ज्यादा लीड इन 2 क्षेत्रों में भाजपा को मिल जाती है तो भाजपा की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जो शहरी क्षेत्र है, चाहे रेवाड़ी है, चाहे गुड़गांव है या दूसरे शहर है, उनके अंदर मतदान कम हुआ है और गांवों के अंदर मतदान ज्यादा हुआ है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है। जी, आप पूरे हरियाणा की बात करते हैं, आप हरियाणा में कांग्रेस की क्या संभावना देख रहे हैं? मेरा अनुमान है कांग्रेस हरियाणा में 6 के आसपास सीट जीत सकती है, 7 हो सकती है। कौन कौन सी सीटें हैं? नहीं, ये मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अनावश्यक विवाद में मैं फंसना नहीं चाहता। पर मेरा अनुमान है, मेरा प्रारंभ से ये स्टैंड रहा है, सभी चैनलों ने मुझसे पूछा था, तो मेरा स्टैंड तब कोई 1-2 सीटों के नाम तो बताएंगे। रोहतक हमारी निश्चित है, हमारी सिरसा निश्चित है, हमारी सोनीपत निश्चित सी है, हम हिसार और महेंद्रगढ़ और अंबाला, इनमें एक या दो सीट जीत सकते हैं। फरीदाबाद में भी बड़ा टफ कंटेस्ट है। फरीदाबाद में अगर जाट समुदाय ने एकजुट होकर वोट दे दी तो वहाँ भी हम जीत सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर एक टफ कंटेस्ट है, 3 सीटें या 4 सीटों पर तो हम इजीली जीत रहे हैं और लगभग 4 सीटों पर बड़ा टफ कंटेस्ट है और 2 सीटों पर हम कमजोर स्थिति में हैं। तो मेरा अनुमान है कि 6 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। कल एग्जिट पोल आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल तमाशा है। मैं इसको तमाशा क्यों कहता हूं? जो गोदी मीडिया पूरे चुनाव प्रचार 2.5 माह तक कांग्रेस की मीटिंग नहीं दिखाता, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं दिखाता, कांग्रेस नेताओं के पूरे वक्तव्य नहीं दिखाता, कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य तब दिखाता है जब उसे कोई आलोचना करनी हो 1 लाइन की, और आलोचना दिखाएंगे 60 मिनट की। तो जो मीडिया कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति चुनाव गतिविधियों का प्रचार प्रसार के प्रति निष्पक्ष और ईमानदार नहीं रहा हो, एक पक्षीय प्रचार में लगा रहा हो, उस मीडिया से आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट हाउस का मीडिया है वो सही करेगा? दूसरा, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं आपको 2-3 उदाहरण ही दूंगा। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है और 1 पांडिचेरी, उनको मिलाकर 40 सीट कही जाती है, अर्थात कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जो एक मीडिया है उसने दिखाया
16 से 18 सीटें डीएमके जीत रही है और 12 से 13 कांग्रेस जीत रही है। मेरे पास शॉट है, आप कहो तो मैं दिखा सकता हूं। अब आप बताइए, जब हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, हमें 12 13 सीट कहां से मिल जाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको, बिहार का। बिहार में एलजेपी चिराग पासवान की 5 सीटें लड़ रही है और गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि 6 सीटें जीतेंगे। जब वो लड़ 5 में रहे तो 6 कहां से जीतेंगे। अगला उदाहरण मैं आपको हिमाचल का और उत्तराखंड का दूंगा। उत्तराखंड और हिमाचल में कहा कि उत्तराखंड में 5 प्लस सीटें जीतेंगे, प्लस माइनस, और कांग्रेस की 0 और माइनस आएंगी। सीट 5 है केवल, प्लस माइनस अगर 5 जीतेंगे तो क्या वो 6 सीट जीत जाएंगे क्या? और 0 अगर आप प्लस 1 मिला दो और चाहे प्लस माइनस 1 कर दो, 0 तो 0 ही रहता है। इसी तरह हिमाचल में कह रहे हैं 4 प्लस माइनस, सीट ही 4 है तो प्लस सीट कहां से हो जाएंगी। राजस्थान के अंदर एक हद कर दी, एक ने 25 सीट है और उसमें वो भी मैं आपको शॉट दिखा सकता हूं, बोला 33 सीटें जीतेंगी भाजपा। तो ये जो अंतर्विरोधी हर जगह है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हमारा तो एक ही सवाल है, ये मीडिया हाउस वाले क्यों नहीं बताते कि इन्होंने सर्वे कहां किया था और कब किया था? फार्म क्यों नहीं दिखाते भाई, कितने लोगों, कोई नहीं बता रहा कि सर्वे कब किया था कहां किया था। बंगाल के अंदर कह रहे हैं 32 सीट जीतेंगे और जब ये 32 सीट की घोषणा कर रहे थे बंगाल के अंदर, उस समय बंगाल में चुनाव हो रहा था, 7 बजे तक चुनाव हुआ और 7:15 बजे बंगाल के अंदर एग्जिट पोल भी आ गया। बिहार में उसी समय चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश में उसी समय चुनाव हो रहा था। तो ये सब तमाशा है। और आप एक और पैटर्न देखिए इस पूरे मीडिया का, कि मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम 370 या 400 सीटें तक लेंगे। सारे सर्वेज, टोटल सर्वेज मीडिया क्या कह रहे हैं, 352 से लेकर और 400 सीटें तक बीजेपी जीतेगी। एक लाइन है, एक विचार है, एक प्रिंट आ गया मोदी जी के घर से कि भाई ये सर्वे दिखा दो, दिखा दिया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और बताता हूं, आप भी पत्रकार हैं, आप चाहे किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने जाती हैं, चाहे मेरे जैसे एक छोटे से आम आदमी का इंटरव्यू लेने जाती हैं, साथ अपना कैमरा माइक तो लेके जाती हैं, क्या बिना कैमरा माइक आप इंटरव्यू ले लेंगी? प्रधानमंत्री के जितने इंटरव्यू हुए हैं अधिकतर प्रधानमंत्री हाउस में, उनकी विजुअल मौजूद है, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री के घर से निकलते हैं तब भी आपकी फोटो खींच जाती है, अंदर घुसते हैं तब भी। कोई भी मीडिया हाउस वाले कैमरा और कैमरामैन लेकर अंदर नहीं गए, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और कह रहे हैं हम इंटरव्यू ले आए। वो प्रधानमंत्री के कैमरों से इंटरव्यू होते हैं और प्रधानमंत्री उनको एडिट करते हैं, जो उनको लगता है कि भाई ये चीज सही है वो उसमें डाल देते हैं, और स्क्रिप्ट भी प्रधानमंत्री ही लिख कर देते हैं कि मेरे से क्या सवाल पूछे जाने हैं। तो ये जब मीडिया इस हद तक गिर गया, और एक पत्रकार है रवीश कुमार, उन्होंने तो खुलेआम कार्यक्रम कर चैलेंज किया है कि मैं मीडिया हाउस के नाम ले लेकर कहा है कि फला मीडिया हाउस को मेरा खुला चैलेंज है कि वो दिखा दे कि उनका पत्रकार कब तो कैमरा लेकर गया और कौन से कैमरे से उन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। प्रधानमंत्री के यहाँ स्क्रिप्ट इंटरव्यू एडिट करके आया, आपने प्रसारित कर दिया। जब मीडिया की हालत ये हो गई हो कि सारा काम प्रायोजित और स्क्रिप्टेड है, तो यदि वो सही भी निकलता है, एग्जिट पोल सही भी निकलता है, तो वो तमाशा है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं तो आज से नहीं पिछले 20 सालों से एक बात कह रहा हूं कि भाई मीडिया हाउसेज के सारे सर्वे गलत होते हैं। मेरे पास 2004 से लेकर आज तक के सभी सर्वे हैं लोकसभा चुनाव के, जो एग्जिट पोल है, एक भी एग्जिट पोल अगर पूरा निकला हो तो मैं आपको प्रमाणों के साथ दिखा सकता हूं, सब झूठे साबित हुए हैं।